ओम नमस्ते जी। आज का वैदिक विचार यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में कहा गया है, ओम क्रतो स्मरा। तीन शब्द हैं, हे क्रतु, हे जीवात्मा, तू ओम का स्मरण कर। यहां क्रतु जीवात्मा को कहा है, इसकी चर्चा हम फिर कभी प्रसंग में करेंगे, पर यहां कहा गया कि हे जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर। हमारे गुरु आचार्य महापुरुष सभी कहते हैं कि तुम जप करो, जप करने से जीवन का कल्याण होता है। कई गुरु घंटाल तो ऐसे ऐसे मंत्र देते हो, कहते हैं कि इसका जप करना और किसी को नहीं बताना। खैर, यहाँ वेद का मंत्र कहता है कि हम ओम का स्मरण करें। वेद ही नहीं, योगिराज श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, ओमित्यक्षाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म जपता हुआ, अर्थात इसका जप करता हुआ मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। हम ओम का स्मरण करें। ओम का स्मरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा के असंख्य नाम हैं और ओम इस परमात्मा का मुख्य नाम है। अ उम, जैसे एक व्यक्ति का कुछ नाम होता है, राम होता है, कृष्ण होता है, कोई और नाम होते हैं, वो उसके मुख्य नाम होते हैं, किंतु उसके गौण नाम उसके गुण के अनुसार हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इत्यादि जितने भी नाम है वो सब गौण है, मुख्य नाम परमात्मा का ओम है। इसलिए ओम का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या लाभ है? याद रखना, जीवन काल में जो व्यक्ति जिसका अधिक स्मरण करता है, जो व्यक्ति जिसको याद जितना करता है, जो व्यक्ति जिसको जाप करता है, उसको ही अंत काल में वह उतना अधिक याद होता है। एक कहानी याद आती है, एक व्यक्ति का मृत्यु का समय था, मरण अवस्था में पड़ा हुआ था। परिवार के लोग आए, कहने लगे कि परमात्मा का नाम ओम है, ओम का जाप करो पिताजी, ओम का जाप करो। बहुत प्रयास किया तो कहता है वो व्यक्ति कि मेरे से ओम मेरे से नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। कहानी ओम जपो का नहीं बोला जा रहा है। एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या नहीं बोला जा रहा है? तो उसने कहा कि जो आप मेरे से बुलाना चाहते हो वह नहीं बोला जा रहा है। लोगों ने सोचा कि क्या नहीं बोला जा रहा, तो शायद वो ओम बोल देगा, कैसे भी करके ओम बोल दे, पर वो ओम नहीं बोल पाया। इसलिए बंधुओं, हम जिस व्यक्ति जिस वस्तु का जिसका हम अधिक स्मरण करते हैं, जप करते हैं, अंत समय में हमको वह ही याद आता है। योग दर्शनकार कहता है, तद जपस तद अर्थ भावनम। ओम का जप, उसके अर्थ का चिंतन करना, यह प्रणिधान है, अर्थात एकाग्रता का भी यह साधन है। तो दूसरा लाभ ओम के जप से क्या होता है कि हमारे जो मन है वह एकाग्र हो जाता है। इसलिए आओ बंधुओं, हम जप करना सीखें, पर जप करें तो तद अर्थ, उस अर्थ के साथ में, तद जप तद अर्थ भावनम, जैसा जप करो वैसे ही अर्थ का चिंतन करो। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी जब संध्या में गायत्री के जप की बात कही, तो अंत में प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर दयानिधि, ईश्वर दयानिधि जपो उपासना आदि। तो वहां पर भी जप के लिए कहा कि जप उपासना आदि कर्मणा, अर्थात इस जप से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, का धर्मार्थ काम मोक्षानाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को इन जप से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आओ ओम क्रतु स्मर, हे जीवात्माओं आप ओम का जप करो। और ओम का जप हम कब करें, कैसे करें, इन सब का भी हम चिंतन फिर कभी करेंगे। आप देख रहे हैं वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ,
कि वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक दर्शन को, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय चिंतन को, विषयों को सुनने के लिए, समझने के लिए, या आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में, मन में जो भी शंकाएं हैं, उन सब के समाधान के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ इसमें अच्छा लगे या कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें। ओम शांति 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 ओम।